प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को भेंट की नई सौगातें। नया रायपुर में प्रधानमंत्री ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का किया उद्घाटन, तो भिलाई में इस्पात संयंत्र के विस्तारीकरण यूनिटों को राष्ट्र को समर्पित किया, साथ ही IIT की आधारशिला रखी। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2018 का हुआ आगाज। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 15 जुलाई को मॉस्को में होगी खिताबी भिड़ंत। रूस के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों में खेले जाएंगे ये मैच। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। अमेरिका में 2.5 महीने इलाज कराने के बाद मुंबई लौटे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर। अग्नाशय में सूजन की परेशानी झेल रहे पारिकर का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया जा रहा था, जहां से वो इलाज के लिए US गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से लड़ने का किया ऐलान। मुलायम मैनपुरी से लड़ेंगे चुनाव, कहा लोकसभा सीटों की तैयारियों की समीक्षा मैं खुद करूंगा। टेस्ट मैच की पहली पारी के पहले सत्र में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने शिखर धवन। धवन ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया ये कारनामा। अफगानिस्तान के साथ पहले टेस्ट मैच का था आज पहला दिन। गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की मुद्रा रुपए में गिरावट का जोर लगातार जारी। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 118.7 रुपए के बराबर हुई। दोबारा जारी किया जाएगा JEE एडवांस का रिजल्ट। नई मेरिट लिस्ट जारी होने से 13,850 अतिरिक्त छात्रों को फायदा होगा। JEE के इतिहास में पहली बार फिर से संशोधित कट ऑफ जारी किया जा रहा है। ओला और उबर कंपनियां दे सकती हैं महिलाओं को सफर करते समय अपना सहयात्री चुनने का अधिकार। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय टैक्सी समूहों से इस मामले को लेकर बैठक करेगा। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने दिया था ये विचार। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के 50वें जन्मदिन पर राज्य के कुछ पेट्रोल पंपों पर 4 से 9 रुपए तक सस्ता बेचा जा रहा था पेट्रोल। मन से दे रहा था कूपन।